केवल 700 श्लोकों की गीता में सभी वेदों का सारांश समाहित है। गीता वेदांतों का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें व्यावहारिक जीवन और आध्यात्म की सभी शंकाओं के समाधान सरलता से मिल जाती है। ये एक कंप्लीट बुक गीता के ज्ञान को समझने वाले के लिए किसी अन्य शास्त्र किसी अन्य पुस्तक को देखने की जरूरत ही नहीं। गीता के रचना करने के बाद वेद व्यास ने लिखा था, गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे, अर्थात गीता को ही ठीक से समझना चाहिए, उसके बाद अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की क्या जरूरत, अर्थात कोई जरूरत नहीं। गीता में ये समझाया गया है कि फल की इच्छा का त्याग करना, लेकिन आलस्यों का भी त्याग करना, निस्वार्थ भाव से कर्मशील रहना ही सही मार्ग है। अकर्मण्यता और कामना, इन दोनों का त्याग करके कर्म करते रहने में जीवन सार्थक हो जाती है। सुख और दुख में समान रहना, लाभ और हानि में समान भाव से स्वीकार करना, सम्मान मिले या अपमान उससे प्रभावित नहीं होना तथा सभी परिस्थितियों में अपने संतुलन को बनाए रखना, यह गीता का बहुत ही उपयोगी ये संदेश है। ऐसे संतुलित व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। देवियों और स्वयं श्रीमद् भागवत गीता विपरीत परिस्थितियों में उत्साहवर्धन और निराशा में आशा का संचार करने वाला ग्रंथ, ये जीवन निर्माण करने वाला ग्रंथ। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजकों से मैं ये अनुरोध करती हूँ, घर घर में, गांव गांव में, नगर नगर में गीता के प्रचार प्रसार के लिए अनवरत प्रयास करते रहे। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि गीता के उपदेश को आचरण में ढालना अधिक महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के आयोजन तथा जनकल्याण की योजना के शुभारंभ तथा शिलान्यास के लिए हरियाणा सरकार की सराहना करती हूँ। सबसे तेज गति से विकास कर रहे राज्यों में शामिल हरियाणा के सभी निवासियों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति महोदय के उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए। देवे सुजनों, अब ये समय है जब कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हों। आप सभी से इसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, राष्ट्रगान में शामिल हों, अपने स्थान पर खड़े होकर।